कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई अब नाम मात्र रह गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें रुचि दिखाना कम कर दी है। इसी के चलते इस बार कलेक्टर के नदारद होने पर अधिकारी पूरे समय शिकायतें टालते नजर आए। इस बार जनसुनवाई में रॉयल रेसिडेंसी क्षेत्र के करीब 150 रहवासी कॉलोनाइजर की शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि कॉलोनाइजर ने बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है, यहाँ तक कि जो चोरी की बिजली चलाई जा रही है उसके लिए भी वो महंगे बिल वसूल रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी बिजली लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जनसुनवाई में शिकायत करने आने वाले शिकायतकर्ता कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिजली बेची जा रही है वहाँ पे, हमको 5 रुपए 75 पैसे के यूनिट से दी जा रही है सरकारी मंडी, जो कि 4 रुपए 70 पैसे है, तो हमको वो चाहिए। और अभी जो मोदी जी के द्वारा जो चल रहा है ना अभियान, 200 रुपए योजना चल रही है, तो हमको उसका लाभ मिले। हमको कुछ भी नहीं, और कुछ भी कॉलोनी में ना डैमेज लाइन है, ना बाउंड्री लाइन है, कुछ भी नहीं। उनको बोल ले, रुक जाओ। मेंटेनेंस 500 रुपए लिया जा रहा है। आप कितने रहवासी टोटल वहाँ पर? हम 400 परिवार, मतलब 1000 से ज्यादा व्यक्ति हैं। आपके वहाँ पे बिजली के लिए प्राइवेट वो डीपी लगी, प्राइवेट डीपी लगी है रघुवाल मैडम। एक मिनट, अरे आप ही बताओ, आप ही बताओ। हाँ, कब से आप परेशान है? 10 से 15 साल हो गए। कितनी बार आपने अधिकारियों से कंप्लेंट करी? कितनी बार एटीएम काले में, मऊ में तहसील में भी गए वहाँ पे, उनसे भी कोई 2 हफ्ते से जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कॉलोनी नाइजर कौन है? राकेश अग्रवाल। क्या है यार, इधर देखिए मैडम, आपको बिजली वहाँ पे किस दाम से मिल रही है? 7 रुपए 75 पैसे। यार जब बुलवाते हैं तब तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती, आप उनको बोल लेंगे। और नीमच और पीतमपुर रोड पे कॉलोनी है, 2004 में डेवलप हुई थी। जब डेवलप हुई थी कॉलोनी, तो इसमें उन्होंने सबको बताया था कि यहाँ लाइट के बिजली के खंभे भी होंगे, सारी सुविधाएं होंगी। दो सब्जी बाग दिखाए थे। 2004 से अभी तक कोई बिजली का एक खंभा नहीं है। लाइट हम लोग प्राइवेट तौर से खरीद रहे हैं, सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। जो एक कॉलोनी की सुविधा होती है वो हमारे पास एक भी नहीं है। अधिकारियों से हम इससे पहले 15 दिन पहले एसडीएम महोदय मऊ से मिला, श्री प्रफुल्ल सिन्हा जी से। मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें हम उनसे 15 दिन पहले मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज मैं कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने वानखेड़े जी एडीएम साहब उनसे बोला, अभी मैं उनसे भी मिला हूँ, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। कितने परिवार हैं हमारे? 1500 परिवार हैं, उसमें लेकर तो 1000 के लगभग लोग रहे, कुछ किराएदार भी हैं, तो 1000 के लोग रह रहे हैं, लेकिन 500 के मकान उसमें भी। कॉलोनी यार का नाम है राकेश अग्रवाल की कॉलोनी की। एक कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक के चलो, उनका मदन विहार कॉलोनी है, रॉयल टाउनशिप है, रॉयल रेसिडेंसी है, श्री रॉयल टाउन, श्री एस आर डी है, ऐसी 4 कॉलोनियाँ बना रखी है ऐसे इंदौर में। इतने बड़े प्रशासन के नीचे, ये प्रशासन के नीचे अभी तक किसी भी कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। एक कॉलोनी में होती है तो चलो ठीक है, लेकिन 4 कॉलोनी बना रखी है। वो सारे निवासी आए थे और उन्होंने कहा है कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, बाउंड्री वाल नहीं है, बिजली को लेकर अच्छी खासी दिक्कतें हैं, और इस तरह की शिकायतें कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। वो समग्र परिस्थितियों को सुनते हुए उसमें हम लोग जांच संस्थित कर रहे हैं, और जांच के ये बिंदु रहेंगे कि किस तरह से ये उनके साथ भेदभावमूलक काम हो रहा है, या उनको जो बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी उसमें कॉलोनाइजर के द्वारा या उनके आदमियों के द्वारा किस तरह से अवरोध पैदा किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें प्रथम दृष्टया उन लोगों ने अपनी शिकायत में कही है, और इसके अलावा भी बाकी बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे।